सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। माय नेम इज सीमा तोमर एंड आई एम लिविंग इन गुड़गांव सेक्टर 31। एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था आज से तकरीबन 10 साल पहले ही मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। मुझे बहुत सारे ऐसे लगता था, डिजनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 2-4 दिन के बाद ठीक हो गई, लेकिन फिर मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हुआ। फिर 4-5 साल बाद फिर ये दोबारा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मैं फिर ठीक हो गई, पर डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे अभी मार्च में ये प्रॉब्लम हुआ 2020 में अगेन, और तब भी मेरे को डायग्नोज नहीं हो पाया क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी एंड वटाइगो की और मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद सडनली मुझे 16 जनवरी 2021 को ये प्रॉब्लम दोबारा हुआ। और तब ये प्रॉब्लम क्योंकि बारी बारी हो रहा था, तो फिर किसी हमको सजेशन किया कि डॉक्टर मनीष के पास आप जाइए जो मायूम हॉस्पिटल में है। और हम लोग वहाँ पर आए, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि ईयर्स के पीछे कुछ प्रॉब्लम, बैलेंसिंग का जो होता है सिस्टम, वो अगर इस तरह से ख़राब हो जाता है बैलेंसिंग सिस्टम या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को हो जाती है। और मेरे लिए बहुत ही मतलब नई चीज़ थी कि भी ईयर की में भी कोई बैलेंसिंग सिस्टम होता है। तो जब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बाद मेरा उन्होंने मुझे मेडिसिंस वगैरह दी और बताया कि इसका असली कॉज क्या था, कि क्यों मुझे इस तरह से ये हो रहा था, जो अभी तक कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे सही तरीके से। और फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और अब मैं, मेरी जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। और मेडिसिन क्योंकि अभी चल रही हैं और डॉक्टर साहब ने मुझे फिर 15 दिन बाद 16 दिन बाद ऐसे बोला है, और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना काम जो है प्रॉपर करिए, अपना बिजी रहिए, और कुछ प्रिकॉशंस जो उन्होंने मुझे करने के लिए दिए हैं वो मैं उसको प्रिकॉशंस को लेते हुए मैं अपना जो है डेली वर्क करती हूँ। और डॉक्टर मनीष ने जिस प्रकार मुझको डायग्नोस किया है और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि भी ईयर्स की बैलेंसिंग भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी भी पर्सन्स को। और जो ये वाली प्रॉब्लम थी, कोई कहता था बीपी की वजह से हो रहा है या शुगर की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को डायग्नोस किया और वो पूरा टाइम देते हैं किसी भी पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देते किसी पेशेंट को, और पूरा टाइम देख के और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट जो है वो पेशेंट के लिए करते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद डॉक्टर मनीष।